ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित होती है जिसके सामने उसके पति को मार दिया जाता है और वो तीन बंदे उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं और जानेंगे क्यों उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको धोखा दिया तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबेल और उसका होने वाला पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड तीनों मिलकर पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं की सबेल का बेस्ट फ्रेंड का पति जेत्रो वहाँ पर उन सबके लिए फल फ्रूट लेके आता है सबेल के होने वाले पति का नाम ब्राइन होता है उन दोनों की अब शादी होने वाली है और शादी वाले दिन हम देखते हैं कि जेत्रो उसकी पत्नी भी वहां पर आई हुई है जेत्रो की पत्नी अपनी दोस्त सबेल के लिए एक अच्छा सा स्पीच देती है जेत्रो को भी कुछ बोलने के लिए कहा जाता है लेकिन वो थोड़ा शर्माता है उसके बाद से चला जाता है सबेल ओब्राइन की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों आज ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं उन दोनों ने एक विला बुक किया होता है वहाँ पर पहुंचते हैं और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तभी हम देखते हैं की दो दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है गार्ड को कुछ पैसे देकर मदिरा लाने के लिए भेज देते हैं और वो तीनों दोस्त खूब नशा करते हैं और उसके बाद सीधे सबेल के रूम के अंदर एंटर कर देते हैं तीनों ने अपने चेहरे ढक लिए मंकी कैप द्वारा ताकि सबेल उनको पहचान ना पाए जैसे ही तीनों एंटर करते हैं देखते हैं कि वो दोनों

वो तीनों दोस्त सबेल के पति के सामने वो तीनों दोस्त सबेल से जबरदस्ती सारीर संबंध बनाते हैं जब सबेल का पति ब्राइन उनको जरा सा भी रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ब्राइन को गोली मार देते हैं और उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है ये देखने बाद जेत्रो और सबेल के बीच हाथापाई होती है और सबेल का असर किसी चीज से टकरा वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है जेत्रो और उसके दोस्त तो समझते हैं की सबेल भी मर चुकी है तो वो दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए नाव में बैठ नदी में फेंक देते हैं कहीं दूर ताकि उन लोगों की बॉडी किसी को ना मिले ये सब कांड करने के बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं पुलिस को ब्राइन की बॉडी तो मिल जाती है लेकिन उनको सबेल की बॉडी नहीं मिलती है सबेल की बॉडी एक मछुआरे को मिलती है जो कि पहले आर्मी में था जब उसे सबेल की हालत का अंदाजा होता है तो सबेल को लड़ने के लिए फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है ताकि वो खुद अपना बदला ले सके वहीं दूसरी तरफ सबेल के पेरेंट्स जगह जगह पर मिसिंग के पोस्टर लगा रहे होते हैं क्योंकि पुलिस को अभी भी सबेल की बॉडी नहीं मिली होती है कुछ दिन बीस जाने के बाद सबेल पूरी तरह से तैयार हो जाती है सबेल सबसे पहले अपनी दोस्त जो की जैतो की वाइफ होती है उसके पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती है सबेल की दोस्त उसे कहती है मुझे माफ कर दो और फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पति को शादी से पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके साथ सारी संबंध बनाया था और यह बताकर सबेल की दोस्त रोने लग जाती है और सबेल को इस बात से का काफी ज्यादा गुस्सा आता है की उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया और वो वहां से चली जाती है गुस्से में और वो एक एक कर जेत्रो के तीनों दोस्तों के साथ वही दरिंदगी के साथ अपना बदला पूरा करती है सबसे पहले वह जेत्रो के दोनों दोस्तों को एक ही रात काम तमाम कर देती है और अंत में जेतरो के साथ बड़ी हैवानियत से उसको मारकर अपना बदला पूरा करती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है ये वीडियो चला वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी के प्यार और सपोर्ट करें धन्यवाद दोस्तों